بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي मोहतरम व मक्रम नाजरीन किराम उस वक़्त तक कोई मुआशरा दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक मुआशरे का हर फर्द अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करता हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम में से हर शख़्स चाहता है कि दूसरा शख्स सही हो जाए कोई इंसान अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करता तो मुआशरा ऐसे दुरुस्त नहीं हो सकता मुआशरा उस वक्त दुरुस्त होता है जब इंसान ये कोशिश करता है कि सबसे पहले वह अपने आप को जो है वो दुरुस्त करे जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें रसूलुल्लाह ने तीन ऐसे उसूल बयान फरमाए हैं जिनसे माशरे की असलाह हो सकती है तो आज की इस नशिश का मेरा मौजू भी ये है असलाह माशर के तीन अहम असूल तो नाजरीन क्राम याद रखिए कि जो इंसान भी इस दुनिया के अंदर आया है उसके तीन तरह के तल्ल हैं इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान के तीन तरह के तल्ल हो सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं है एक इंसान का ताल्लुक है अपने ख़ाल के हकी के साथ अल्लाजल के साथ और दूसरा इंसान का ताल्लुक़ है अपनी ज़ात और अपने नफस के साथ और तीसरा इंसान का ताल्लुक है लोगों के साथ जब ये तीन ताल्लुक़ दुरुस्त होते हैं तो मुआरत दुरुस्त हो जाता है जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है ये वो अजीम रसूल वसम की नसीहत और वसीयत है कि इसके ऊपर चल के मुशरा जो है वो सही सही और सही समत की तरफ जो है वो जा सकता है अगर इससे इंसान दूर होगा तो माशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ चला जाता है ये तीन चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं आप में वैसे तो तीन जुमले इरशाद फरमाएँ लेकिन ये तीन जुमले इस क़दर क़ीमती हैं कि ये तीन जुमले हमें माशरे मुँ की असलाह के लिए काफ़ी हैं पहला जुमला जो आप अलैहि वम ने बयान फरमाया वो ये है इत है सुमाकुन। आप जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहे यानी आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जो है वो तकवा और परहेज़गारी की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए आप जहाँ भी हैं अल्लाह से डरते रहें परहेजगारी इख्तियार करें आप लोगों के सामने हैं तब भी अल्लाह से डरें लोगों से ओझल हैं तब भी अल्लाह से डरें आप रिश्तेदारों के साथ मौजूद हैं तब भी अल्लाह से डरें रिश्तेदारों से दूर हैं तब भी अल्लाह से डरें दोस्त अहबाब के दरमियान है तब भी अल्लाह जफजल से डरे आप दोस्त अहबाब से दूर है तब भी अल्लाह से डरे आप खलवत में हैं तब भी अल्लाह से डरे आप जलवत में हैं तब भी अल्लाह से डरे आपके पास कोई अहदा है, है उस वक्त भी अल्लाह से डरे आपके पास कोई वजारत मशारत है कोई हुक्मरानी है उस वक्त भी आप जो है वह अल्लाह ताल से डरे आपके पास कोई दुकान है कोई बिजनेस है कोई भी ऐसी जगह है कोई कुर्सी आपके पास मौजूद है आप हर जगह पे अल्लाह से डरते रहें तो इसलिए फरमाया इतल है कुंत अगर हम चाहते हैं कि माशरा दुरुस्त हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाहल के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो दुरुस्त हो हम जहाँ कहीं भी हों अल्लाह ताल से डरते रहें और ये तकवा ऐसी चीज़ है कि इसकी नसीहत अल्लाह जवाचल ने हर उम्मत के लोगों को की है يسري الله فمع تهم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الله عز وجل فارمعته ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुमसे पहली कौमों को और तुम्हें सिर्फ यही नसीहत की है कि तुम अल्लाह से डरते रहो परहेजगार इख्तियार करो और इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं या तुम मुस्लिम हो ईमान वालो अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह अल्लाह तरने का हक हाँ है और तुम जब इस दुनिया से जाओ तो तुम इस्लाम की हालत में इस दुनिया से जाओ ईमान की हालत में इस दुनिया से जाओ और जो इंसान और जो लोग अल्लाह से डरते अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत कर लेते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान की सारी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं। इसीलिए अल्लाह फ़रमाते हैं, लख नहीं मेरा समर बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते परेजगारी इख्तियार कर लेते तो हम उनके लिए ज़मीन व आसमान की तमाम बरकतों के दरवाज़े खोल देते उनके लिए आसमान से बारिश नाजर होती ज़मीन से अनाज उगरता और हर आसमान से बारिश नाजर होती ज़मीन से अनाज उगता और हर वो चीज़ उनको मिलती जो उनकी ज़रूरत है तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि माशर दुरुस्त हो तो सबसे पहले अपना ताल्लुक अल्लाह जवजल के साथ दुरुस्त करें और दूसरा तल्लक जो इंसान का होता है वह अपनी ज़ात के साथ है हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा अपनी जात के साथ तल्लक ये है कि हम अच्छे कपड़े पहन लें अच्छा जूता जो है हमारे पास होना चाहिए घर मकान जो है हमारे पास होना चाहिए यही हमारा अपने साथ ताल्लुक़ ये भी तल्लुक है इंसान का अपनी ज़ात के साथ लेकिन जो सबसे अच्छा और बड़ा इंसान का अपनी जात के साथ तल्लक है वो नेकियों और गुनाहों का है कि इंसान जब गुनाह करता है तो अपने ऊपर जुल्म करता है अगर नेकियां करता है तो अपने साथ जो है वो इंसाफ कर रहा होता है तो इसलिए इंसान का ये जो ताल्लुक़ है कि इंसान नेकियां और अच्छाइयां करे और गुनाहों से अपने आप को बचाए ये ताल्लुक इंसान का जो है हकीकी और असली ताल्लुक़ है जो उसका अपनी ज़ात के साथ है इसीलिए अल्लाह इसीलिए रसूल सल्ला वसम ने फरमाया वय अतसन आप से अगर जो है कोई गुनाह हो गया है तो गुनाह करने के बाद नेकियां कीजिए ताकि आपका जो गुनाह है ग़लती है उसका इजाला हो सके इसीलिए अल्लाह تعالى القران الكريم وَأَقِمِ في وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين अल्लाह फरमाते हैं वक्म सलाफी नहर दिन के दोनों किनारों के अंदर नमाज़ पढ़ो और रात के अंधेरों के अंदर नमाज पढ़ो और आपको नेकी करने का अच्छाई करने का फ़ायदा क्या होगा कि नेकियाँ जो है, वो हैं वो बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं आप नेक आपसे कोई बुराई होगी गुनाह हो गया आखिर इंसान है इंसान से गुनाह हो सकता है कुताई हो सकती है बुराई हो सकती है अगर आपसे और मुझसे कोई गलती होगी गुनाह हो गया उसके बाद नेकी करें ताकि आपकी जो गुनाह है वो धुल जाए वो ख़त्म हो जाए इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं इन... تجتنبوا مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدْخَلًا كريما. إذاً تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے तो अल्लाह अल्लाजल तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह वैसे ही मुआफ़ कर देंगे तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना जो हकीकी इंसान का अपने साथ ताल्लुक़ है कि अपने आप को नेकी के अंदर जो है वो रागब करे और गुनाहों से अपने आप को चाहे इस चल्लुक़ को उजागर करे और अपने आप को अच्छाई की तरफ़ लेके जाए और इसलाह माशर का तीसरा असूल जो कि रसूल वसलम इस हदीस के अंदर बयान फरमाया वो ये है व खालक़िन सबल्किन हसन आप लोगों के साथ जब मेल जोल रखें तो अच्छे खला के साथ आपका अपनों के साथ मिल जोल अच्छा होना चाहिए गैरों के साथ मेल जोल अच्छा होना चाहिए अपनी बीवी के साथ आपका मेल जोल अच्छा होना चाहिए बच्चों के साथ आपका मेल जोल अच्छा होना चाहिए आप अपनी अहल आयाल के साथ अखलाक के साथ पेश आएँ बाहर के लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आए आपका मेल जोल जो है वो एक अजीम इंसान जैसा होना चाहिए ना कि गिरे हुए इंसान जैसा इसीलिए रसूल फरमाया व वालक़िन ना सबक़िन हसन लोगों के साथ आपका मेल जोल जो है वो अच्छे तरीके वाला होना चाहिए يسيري الله عز وجل فرماته وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينسغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان और मैं मेरे बंदों को कह दे कि वो वो बात कहे जो बहुत अच्छी है यहां पर यह नहीं कहा कि अच्छी बात कहे बल्कि यह कहा कि वो वो वाली बात करे जो बहुत अच्छी है क्योंकि शैतान तो चाहते ये है के भाइयों के दरम्या अख्तिलाफ़ पैदा करे शैतान तो चाहता यह है कि मुसलमानों के, के दरम्यान आपस में जो है वो दुश्मनियाँ पैदा करे मुसलमान आपस में लड़े तो आपने अपने आप को जो है वो इससे बचाना है और दूसरी जहाँ पर अल्लाह जवचल फरमाते हैं वूल उल्ला से हसना जब तुम बात करो तो अच्छी बात करो और इसीलिए हदीस में आता है रसूलसन फरमाया मैम शै उन फ़िल्मी जान असक़ाल हसनखलुक तराजू के अंदर सबसे वज़नी जो कल को नेकी हो कि वह इंसान का अच्छा अखलाक होगा और इसीलिए हदीस में आता है रसूल ने फरमाया इन नलमुमिन लयुद्री को बेहसन खुल की ही द इन नलमुमिन लयुद्री को बेहसन खुल की ही दरा जाताम अलकाम इंसान एक ऐसा इंसान जो मोमिन इंसान है इन इंसान अलायुद्री को बेहसन खुल ही जो अच्छे अखलाक वाला इंसान है ऐसा इंसान अपने अच्छे अखलाक की वजह से रोज़ादार और क्याम करने वाले शख्स के अजर को जो है वो पा लेता है तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा दुरुस्त हो तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने इन तीन ताल्लुक को दुरुस्त करें हमारा ताल्लुक अल्लाज़ल के साथ भी दुरुस्त हो हमारा ताल्लुक अपनी ज़ात के साथ भी दुरुस्त हो और हमारा ताल्लुक लोगों के साथ भी दुरुस्त हो अगर हम ये तीन काम कर लेते हैं तो मुआरह जो है वो दुरुस्त हो जाता है कभी माशरा जो है वो गलत सबत नहीं चलता अल्लाह जव से दुआ है अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और बाद में आपको हम सब को इसलाह मुआरह के लिए काम करने की तोफ़ी का ताफ़रमय सुबहान रब्बिकबिन मासिफिफ़ुन वसलामरसिनबीआ